हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिओम कंसल्टेंट्स। होप एवरीथिंग इज़ फाइन एट योर एंड। तो ये वीडियो बन रहा है फैमिली स्पॉन्सर्ड वीज़ा से रिलेटेड। एक दो क्वेरीज काफ़ी पूछी जाती हैं। जो सबसे प्रोमिनेंट है कि जब हमने फाइल किया था आधे लोगों का आ गया फैमिली में, आधे लोगों का नहीं आया वीज़ा। तो अब क्या किया जाए, व्हाट इज़ द सॉल्यूशन फॉर दिस इशू? क्या हम एम्बेसी को कॉन्टैक्ट करें? क्या इसका आउटकम क्या क्या करना चाहिए और रीजंस क्या है मेनली डिले के? तो यही हम डिस्कस करेंगे इसमें, और एक दो और एस्पेक्ट्स आपको बताए जाएंगे कि ऐसे डिले ना हो तो उसको कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हैं, और अगर आपका ऐसा हो गया है तो क्या चेक करना चाहिए, सो दैट आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि कहाँ पर कोई मिस्टेक हुई है या नहीं हुई है। अगर नहीं हुई है देन व्हाट इज़ द सॉल्यूशन? तो इट इज़ ऑल अबाउट डिले इन द फैमिली स्पॉन्सर्ड वीज़ाज़, ठीक है? तो सारा आपको बताएंगे ए टू जेड कैसे है। तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिए। एनीथिंग फॉर अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं हमारे से भी, जूम मीटिंग इज़ ओपन फॉर यू, नंबर फ्लैश हो रहा है, जस्ट बुक अ स्लॉट एंड डिस्कस विद अस। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो डिले होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। फैमिली स्पॉन्सर्ड वीज़ा इज़ द स्लोएस्ट वन, जितने भी अपना सब क्लासिक स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा में स्ट्रीम्स हैं तो स्लोएस्ट है ये फैमिली स्पॉन्सर्ड स्ट्रीम, और मोस्टली काफ़ी प्रॉमिसिंग भी है अगर सब कुछ अच्छे से किया गया है तो, ठीक है, नंबर वन। और ये किसके लिए है ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ये तभी वैलिड है कि जब आपके रियल रिलेटिव्स बाहर हैं और सिटीजन या पीआर हैं, तभी आप ये कर सकते हैं, ठीक है? तो ये आप ध्यान में रखें बात। अब इसमें एक दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड और भी पूछे जाते हैं, तो वो भी हम इसमें क्लैरिफाई करेंगे लेटर इन ऑल। इट इज़ ऑल अबाउट फैमिली स्पॉन्सर्ड वीज़ा। तो सबसे पहले तो मेन मुद्दे की बात कि डिले हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ये जो पीक सीज़न होता है छुट्टियों का, दिसंबर टू जनवरी फरवरी तक आप मान के चलें, इसमें जितनी भी फाइलें इसके आसपास या इसमें लगती हैं तो वो मान के चलें, इधर प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज़्यादा होता है, पहली बात। तो कभी भी ये प्लान ना करें, ये वाला जो ट्रैवल प्लान है इसके हिसाब से प्लानिंग ना करें कि अभी एक महीने में वीज़ा आ जाएगा, नेवर डू दैट। फैमिली स्पॉन्सर्ड वीज़ा के लिए खासकर जब आप इस सीज़न में फाइल करने वाले हैं तो दो महीने का मान के चलो, दैट इज़ द एवरेज, टू मंथ्स, और टू मंथ्स में मैं आपको बता रहा हूँ वर्किंग डेज, हॉलीडेज़ को निकाल के, तो दो महीने का टाइम लगता ही लगता है। अब इसमें मुद्दा ये आ रहा है कि काफ़ी लोग ये सर्च कर रहे थे कि हमारा आधे लोगों का आ गया। सपोज एक केस हमारे पास रिसेंटली डिस्कस होने आया था कि जो मेन रिलेटिव है उनका वीज़ा अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया, और जो उनके साथ थे, केस थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जैसे द मेन एप्लीकेंट वॉज लेडी, उनके ब्रदर बाहर सिटीजन है, तो ब्रदर ने अपनी सिस्टर को स्पॉन्सर किया बीइंग रियल रिलेटिव, तो इन लॉज विद रियल रिलेटिव भी हो जाते हैं। तो ये एक पॉइंट यहाँ पर क्लैरिफाई कर देते हैं आपको कि कई लोग कहते हैं कि इन लॉज को स्पॉन्सर नहीं कर सकते, दैट इज़ अ ट्रू, उसमें लिखा भी हुआ है अगर आप स्पॉन्सर्ड एम्बेसी में जाएंगे कि आप इन लॉज को स्पॉन्सर नहीं कर सकते, बट इन लॉज विद फैमिली स्पॉन्सर हो जाते हैं। ये हम यहाँ क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि अगर हस्बैंड है वो इन लॉ हो गया आपके, जैसे ये लेडी थी इनके ब्रदर बाहर सिटीजन हैं, तो उनके जो हस्बैंड हैं वो इन लॉ, ब्रदर इन लॉ बन गए, जीजा जी, राइट? तो अगर जीजा जी अकेले हैं अप्लाई करते हैं तब फैमिली स्पॉन्सर्ड वीज़ा वैलिड नहीं है क्योंकि वो इन लॉ हो जाएंगे। ऑन द अदर हैंड अगर सिस्टर को भी वो स्पॉन्सर करते हैं, सिस्टर इज़ अ रियल रिलेटिव, सिस्टर विद हर फैमिली कैन बी इन्वाइटेड, ठीक है? तो उस केस में प्राइमरी अप्ली जो जिनको वो स्पॉन्सर कर रहे हैं वो उनकी सिस्टर ही है हु इज़ रियल रिलेटिव बट विद फैमिली, तो मतलब फैमिली में ब्रदर इन लॉ भी आ गए, ठीक है? तो इस तरह से स्पॉन्सर्ड वीज़ा में इन लॉज स्पॉन्सर हो सकते हैं इनडायरेक्टली। द ओनली थिंग इज़ आपकी जो है रियल रिलेटिव साथ में होने चाहिए उस फाइल में, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपको ज़रूर करना है। तो यहाँ पर एक दो क्वेश्चन ऐसे आते थे इन लॉज के बारे में, तभी आपको हमने आंसर कर दिया। अब बात करते हैं डिले की। तो डिले हो गया मतलब मेन एप्लीकेंट का, और इस केस में क्या हुआ जो हमने डिस्कस किया था कि इन लॉ मतलब जीजा जी का वीज़ा आ चुका है, उनकी बेटी का भी वीज़ा आ चुका है, बट जो मेन रियल रिलेटिव है उनका अभी तक अंडर प्रोसेस है। तो व्हाट इज़ द रीज़न, व्हाट इज़ द सॉल्यूशन? तो रीज़न इसका दो तीन हो सकते हैं। पहला रीज़न तो ये हो सकता है कि जब आप फैमिली का ग्रुप बनाते हैं तो उसमें आपको बहुत ध्यान से ग्रुप बनाना होता है। मतलब ग्रुप में अगर आपने ऑल्टरेशन कर दी इंडिविजुअल ग्रुप बनाने में, कई बार ये मिस्टेक हमने पकड़ी है
वो फाइल्स में आपको पता लगेगा, ग्रुप नेम शुड बी द सेम। कई बार क्या होता है कि अगर आप हर एक का इंडिविजुअली ट्रीटमेंट कर रहे हैं फाइल का, तो उसमें पूछता है ग्रुप क्रिएट किया गया, और अगर आप कहते हो येस तो उसमें ना ऑप्शंस खुल जाती हैं, और उसमें से अगर आपने ऊपर नीचे वाला कोई और सिलेक्ट कर लिया तो वो ग्रुप डिफरेंट हो जाएगा। तो मतलब मेन पॉइंट हेयर इज़ टू कन्फर्म एंड चेक कि ग्रुप सेम है या नहीं, वो सेम होना चाहिए। ये अगर चीज़ प्रॉब्लम है तो वो इशू हो सकता है कि फादर एंड डॉटर का आ गया और जो मेन एप्लीकेंट है उनका नहीं। इसका मतलब इतना ज़्यादा गैप, क्योंकि इनका भी पूरे प्रोसेसिंग टाइम लेने के बाद एक डेढ़ महीने के बाद आया और जो मेन एप्लीकेंट है उसका अभी भी रिज़ल्ट नहीं आया। तो ये पहला रीज़न हो सकता है कि ग्रुप को आप ज़रूर चेक कर लें, और अगर आप किसी और से प्रोसेस करवा रहे हैं फाइल तो ये मेक श्योर ज़रूर करें कि जो ग्रुप बनाया गया है आपकी पूरी फैमिली का, दैट शुड बी सेम, सेम नाम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कई बार बाय मिस्टेक, ह्यूमन नेचर मिस्टेक हो जाती है, तो वो चेक ज़रूर कर लें सबमिट करने से पहले फाइल। दैट इज़ द नंबर वन पॉइंट जिसकी वजह से ये डिलेज होते हैं, ठीक है। नंबर टू पॉइंट ये होता है कि जब भी आप फैमिली के ग्रुप में लगाते हो, हमेशा ऐसा नहीं होता कि एक ही दिन रिज़ल्ट आ जाए। ये आपको भी ऐसे आपने ऑब्जर्व किया होगा, जिसने किया प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। कई बार इंस्टॉलमेंट्स में ही रिज़ल्ट आता है, जैसे मदर और सन ने अप्लाई किया तो मदर का पहले आ गया, सन का 10-15 दिन के बाद आया या हफ्ते के बाद आया, तो ऐसे ही होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि बेसिकली कंप्यूटराइज सिस्टम है, ऑनलाइन है, तो उसमें अकॉर्डिंग टू एज, मोस्टली अकॉर्डिंग टू एज जो उसमें फीड किया गया है, कंप्यूटर सेग्रीगेट करता है एप्लीकेशंस को कि इस एज ग्रुप के इस ऑफिसर को दे दिए, इस एज ग्रुप के इस ऑफिसर को दे दिए। रेयर चांस होता है, आजकल की बात आ रहा हूँ कि जो अभी हमने देखा है, वेरी रेयर कि एक ही ऑफिसर के पास चली जाए फाइल्स, वो भी होता है टू सम एक्सटेंट, पर इतना नहीं है। मोस्टली सेग्रीगेशन हो जाती है क्योंकि एज फैक्टर के हिसाब से, एज्ड वाला ऑफिसर और होगा, बच्चे वाला और होगा, और इसकी वजह से भी डिलेज होती हैं। बट ये जो ब्लंडर डिले है कि उन मेन का आ गया और उनका इतना टाइम के बाद भी नहीं आया, तो उसमें वो ग्रुप का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये रीज़न है डिलेज का कि इंस्टॉलमेंट्स में रिजल्ट इसलिए आते हैं कि कंप्यूटर जो है वो सेग्रीगेट कर देता है फाइल्स और डिफरेंट ऑफिसर असेस करते हैं। तो वो चेक करने के लिए आप चेक करें, जब भी रिज़ल्ट आता है नीचे वीज़ा ऑफिसर का नाम डिफरेंट होता है, ठीक है ना। अगर ऐसे इंस्टॉलमेंट्स में जब रिज़ल्ट आता है, जब एक ही दिन दो या तीन एप्लीकेशंस अगर एक साथ प्रोसेस होती हैं तो सेम ऑफिसर का नाम होता है नीचे, तो वो रेयर होता है, दैट इज़ रेयर। यूजली इंस्टॉलमेंट्स में ही रिज़ल्ट आते हैं, वो इसलिए होता है कि कंप्यूटर सेग्रीगेट करता है, राइट। अब थर्ड, व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए जब आपका इतना ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा डिले हो गया है। पहले तो मैंने आपको बताया कि डिले इज़ ये स्लोएस्ट स्ट्रीम है पीक सीज़न में, आगे जब ये अप्रैल मई जून ऑफ सीज़न जब आएगा, इसमें तो फिर भी आपका 15-20 दिन में रिज़ल्ट आता है। एक और बात में डिस्कस करते हैं कि जब रश कम होता है तो दिल्ली में ही प्रोसेस होती हैं मोस्ट ऑफ द फाइल्स, फैमिली स्पॉन्सर्ड की भी, और जब रश हो जाता है तो इन दिल्ली में प्रोसेस होनी बंद हो जाती हैं और बाहर प्रोसेस होती हैं, राइट, मीन्स इन ऑस्ट्रेलिया, तो वहाँ पर भी और कंट्रीज़ का भी बैकलॉग होता है, तो उससे डिले और हो जाता है, राइट। तो आपने नोटिस किया होगा कभी भी जो सिंपल स्ट्रीम है विदाउट फैमिली स्पॉन्सर्ड, उसमें इतना डिले आप कभी आपने नोटिस नहीं किया होगा ऑस्ट्रेलिया के केस में, राइट। क्यों? क्योंकि उसमें जो है फाइल कभी भी ऑस्ट्रेलियन साइड पे नहीं जाती, सारी 99% दिल्ली में प्रोसेस होती हैं, और कुछ बिजनेस केसेस में, बिजनेस स्ट्रीम्स में चाइना जाती हैं फाइल्स। रेयर ही केस होता है, रेयर ही क्या, मैंने तो नोटिस किया नहीं अब तक, अब तक जो पिछले 2-3 साल से हम चेक कर रहे हैं कि ये जो सिंपल विस्टर वीज़ा वाली फाइल्स हैं वो कभी बाहर नहीं जाती हैं, बल्कि ये जो है फैमिली स्पॉन्सर्ड ये बाहर जाती है, और बाहर जाने की वजह से ही इनका प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा होता है कि ऑस्ट्रेलिया जब जाती है तो बैकलॉग बहुत बढ़ जाता है, तो दैट इज़ द रीज़न इतना डिले होता है। तो जो रिलेशन है वो एस्टेब्लिश करते हैं बहुत ध्यान से, और उसी में सबसे ज़्यादा टाइम जाता है, तो आपको डॉक्यूमेंटेशन इसमें पूरी कंप्लीट रखनी पड़ती है, विच प्रूव्स द रिलेशनशिप। और उसमें अगर कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ कैसी हो जाती है, स्पेलिंग का मिस्टेक है, नाम डिफरेंट है, रिलेशन को प्रूव मतलब है तो भाई बहन, लेकिन वहाँ पर फादर का नाम कुछ और बाय मिस्टेक है, और इधर जो स्पॉन्सर है उसका कुछ और है, तो ये अगर चीज़ें हैं और क्लैरिटी नहीं दी हुई, अगर ऐसा चीज़ है तो एफिडेविट लगती है उसमें,
ये जो नाम में वेरिएबिलिटी है इनएविडेंटली हो गई है, तो उसके लिए ये जो वेरिएबल है नाम के वो एक ही बंदे के, तो वो क्लैरिटी देनी पड़ती है। अगर आपने वो नहीं दी हुई सो दैट कैन ऑल्सो लीड टू डिले एंड अल्टीमेटली रिफ्यूज़ल। ठीक है, तो फैमिली का जो रिलेशन आपने ब्रदर सिस्टर का दिखाना है, हस्बैंड वाइफ का दिखाना है, मदर सन का दिखाना है, तो ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, खासकर फैमिली स्पॉन्सर्स ट्री में। तो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन में अगर गड़बड़ है या कन्फ्यूजन है, दैट विल अगेन लीड टू डिले। तो करना क्या है इसमें, आप एज सच कोई भी ऐसा नंबर डायरेक्ट या ईमेल नहीं है जिसमें आप ये पूछ सकें कि हमारे डिले क्यों है, क्योंकि अगर ऐसा उन्होंने ओपन कर दिया तो वो इसी के आंसर देने के लिए ही बचेंगे। उनको इतना स्टाफ लगाना पड़ेगा जो इसी चीज़ में लगा रहेगा, क्योंकि इतनी वेरिएबिलिटी आती है रिजल्ट्स में, किसी का दो दिन में आता है किसी का, तो उसमें ही वो लगे रहेंगे। तो एज सच ऐसा कोई भी कॉन्टैक्ट डायरेक्ट नहीं है, मतलब कस्टमर केयर या हेल्पलाइन नंबर जिसमें आप फ़ोन करके पूछ सकें। हालांकि एक चैट बॉक्स आपको दिखता है राइट में, उसमें आप क्लिक करके जब आप करेंगे तो वो अल्टीमेटली आपको घुमा के जो कंप्यूटर है ना उसी चीज़ पे ले जाएगा कि आप अपनी ईमी अकाउंट पे चेक करें, वहाँ पर स्टेटस हम अपडेट करते हैं। और एक चीज़ आपको मैं ज़रूर इसमें क्लैरिफाई करूँगा कि अगर कई बार क्या होता है, ये जो ईमेल आती है रिज़ल्ट की, ये ऑटोमेटेड होती है, मतलब कंप्यूटर सेंड करता है वो ईमेल, राइट। तो रिज़ल्ट तो मैनुअली हो गया, उसके बाद जो ऑफिसर है उसने सिस्टम में डाल दिया, वो अपने आप ईमेल नहीं भेजता है, सिस्टम जनरेट करता है। तो सिस्टम में कई बार लैग होने की वजह से ईमेल नहीं आता ऑन टाइम। तो एक ये आप ज़रूर चेक कर लें कि आपका जो ईमेल अकाउंट है वहाँ पर फाइनलाइज तो नहीं हो चुका। अगर वो चीज़ है और आप ईमेल में नहीं आया तो आप वहाँ पर जाकर भी ग्रांट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये एक सोल्यूशन है कि ये चीज़ आप चेक कर लें। और ये सब करने के बाद आपको क्लैरिफाई हो गया होगा अब तक कि व्हाट टू डू व्हेन यू हैव डिलेज। सो देर इज़ नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट अवेलेबल जिससे आप बातचीत कर सकें या अपना बता सकें कि हमारा ये डिले हो गया, व्हाट इज़ द रीज़न। और इसमें एक और क्लैरिटी हम ये आपको देते हैं कि फैमिली स्पॉन्सर्ड वीज़ा खासकर ऐसा है कि अगर आपका इवेंट निकल भी जाता है स्टिल यू कैन गेट द वीज़ा। इसमें आपको वो बात नहीं है कि आप ये सोचें कि इवेंट तो निकल जाएगा तो वो रिफ्यूज़ हो जाएगा, नो। इसके क्राइटेरिया कुछ और होते हैं, उसमें उनको भी मालूम होता है कि बैकलॉग बहुत है, राइट। तो दे नो, दे अंडरस्टैंड दैट। तो इवेंट निकलने के बाद भी आपको ये ग्रांट किया जाता है, ठीक है। तो ये आप दिमाग में रखें बात। तो ये थी ऑल डिटेल्स रिगार्डिंग टू डिले इन द फैमिली स्पॉन्सर्ड वीज़ा। इससे रिलेटेड आपका कोई भी सवाल हो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आप केस डिस्कस करना चाहते हैं कि कैसे लगाना है फैमिली स्पॉन्सर्ड वीज़ा, क्योंकि इसमें भी बहुत मिस्टेक्स कमिट की जाती हैं और ये रिफ्यूज़ होता है, राइट। और उसके लिए आप हमें कॉन्टैक्ट करें और जूम मीटिंग बुक करें, डिस्कस योर केस। थैंक यू, होप आपकी वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।